जनपद रुद्रप्रयाग में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह और बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अधिकारी मयूर दीक्षित समेत कई अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में 13 लोगों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। साथ ही 20 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और उपकरण भी बांटे गए हैं। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने इस मौके पर कहा कि दिव्यांगता के बावजूद कड़ी मेहनत और परिश्रम से स्वरोजगार के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है, जिससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है और दिव्यांगजनों के उत्थान और उन्नति के लिए सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है, ताकि उन योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित कर उन्हें स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बनाया जा सके। आज विश्व दिव्यांग दिवस की तारीख है और इसमें समाज कल्याण विभाग की तरफ से उन लोगों को आमंत्रित किया गया था, उन दिव्यांग व्यक्तियों को जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे कि कोई अपनी शॉप लगा रहा है, कोई कंप्यूटर सिखा रहा है, और उन्होंने अपनी श्रेणी अपने क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़कर कार्य किया, तो उनको सम्मानित किया गया। दिव्यांगजनों के लिए अगर कोई भी दिव्यांगजन इसमें प्रशिक्षण लेना चाहता है तो हमारे पास बैंक की जो प्रशिक्षण संस्थान RCT है, उसके माध्यम से भी हम इनको प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का हमारा प्रावधान है। इसी प्रकार से अगर स्वरोजगार के क्षेत्र में ये लोग कुछ करना चाहते हैं, हमारे दिव्यांग भाई बहन, तो हमारे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, उसके तहत भी हम इनको लाभान्वित कर सकते हैं। जनपद में प्रोजेक्ट कवच चल रहा है, जिसके अंतर्गत सशक्त दिव्यांग की परिकल्पना की गई है DM सर के मार्गदर्शन में। उसके अंतर्गत आज ये कार्यक्रम विश्व दिव्यांग दिवस पर आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत हम दिव्यांगों को हर प्रकार की सुविधा देने का प्रयास किया है। यहाँ पर यहाँ सारे हमारे डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है, जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना रही है, परिवार रजिस्टर की नकल, आधार, इस तरह की व्यवस्थाएं हमने यहाँ UDID कार्ड बनाने की व्यवस्था की है।